राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का भारत कैसा हो या विश्व समाज की अवधारणा किस तरह की हो, इस पर गांधी जी का व्यापक चिंतन हमारे पास मौजूद है। पर क्या उस दिशा में बढ़ा जा रहा है? ये सवाल जटिल है। बीते 70 वर्षों से सर्वोदय समाज गांधी जी के इन्हीं विचारों से दुनिया को अवगत कराने के प्रयास में जुटा है। सर्वोदय समाज सम्मेलन के माध्यम से ये प्रयास बौद्धिक सामाजिक आंदोलन की नवचेतना के सृजन में सफल रहा। बीते 46 वर्षों से शुरू सिलसिला वर्ष 2018 में भी जारी रहा। 23 से 25 फरवरी के दौरान 47वां अखिल भारतीय सर्वोदय समाज सम्मेलन बापू की कर्मस्थली महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित सेवाग्राम आश्रम में संपन्न हुआ। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में सम्मेलन का स्वरूप ऐतिहासिक था। कोशिश थी गांधी विचारों और उनके सिद्धांतों को बदलते परिवेश में प्रखरता से समाज के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ये कोशिश सफल भी हुई। देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से करीब 5,000 प्रतिभागियों की सहभागिता से आयोजन सफल रहा। युवा, महिला और आदिवासियों की भागीदारी ने जैसे सर्वोदय आंदोलन में नव चैतन्य जगा दिया। सर्वोदय समाज की संकल्पना का दृढ़ मत है कि दुनिया को विनाश से सिर्फ महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और प्रेम के विचारों से ही बचाया जा सकता है। 3 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत शांति दौड़ के साथ हुई। डॉक्टर एस एन सुब्बाराव की अध्यक्षता में कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजमोहन गांधी की उपस्थिति में प्रथम दिन के महत्वपूर्ण सत्र में डॉक्टर एस आई कुरैशी राजमोहन गांधी ने अपना मनोगत व्यक्त किया। गांधी जी की प्रेरणा सर हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमेशा से है कि दो चीजें खास होते हैं। एक तो इक्वालिटी, कि जितनी भारत डाइवर्स देश है इतनी डाइवर्सिटी कहीं नहीं है। सभी तो यहाँ मजहब है, 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ज्योग्राफिकली इतनी वैरायटी है और उस सब के बावजूद बड़े पीसफुल हमारे इलेक्शन है और जनता गरीब से गरीब को जो बराबरी दी गई वो इसका एक कोर प्रिंसिपल है। और बापू के बारे में आजकल बहुत कहा जा रहा है कि बापू देखो हाँ अच्छे तो थे, कुछ तो उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन मुसलमानों से ज्यादा दोस्ती की और जवाहरलाल नेहरू को थोप दिया। और जवाहरलाल नेहरू तो आधा मुसलमान था, बल्कि आप अगर आप गूगल देखेंगे, मोतीलाल नेहरू का नाम देखे गूगल जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि मोतीलाल नेहरू का परिवार तो मुसलमान था। तो ये झूठ तो करोड़ों तक पहुंचाया गया है। तो बापू के बारे में भी कहा जाता है कि बापू ने जवाहरलाल नेहरू को देश के ऊपर थोप दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। कितना झूठ, बापू के बारे में झूठ बोले जाते हैं। अब हमें रोए या गुस्सा करें, मुझे तो गुस्सा आता। गांधी ने भी पवित्र गुस्सा की क्षमता थी। गुस्सा बुरी चीज नहीं है हर वक्त। जब गुस्सा पवित्र होता है और अन्याय के खिलाफ होता है तो वो गुस्सा बहुत उचित गुस्सा होता है। सम्मेलन के दूसरे दिन कई अहम विषयों पर उपस्थित वक्ताओं के भाषण हुए। शांति निर्माण में युवा शक्ति विषय पर चर्चा हुई। तकनीकी सत्र में स्त्री शक्ति समस्याएं एवं समाधान विषय पर मंथन हुआ। इस सत्र के बाद अगले सत्र में चर्चा हुई गांव और किसानों पर मंडरा रहे संकट के बारे में और स्वराज के रास्ते समाधान विषय पर। सम्मेलन का समापन उद्घाटक डॉक्टर एस एन सुब्बाराव की अध्यक्षता में ही सम्पन्न हुआ। इस दौरान अपने मनोगत में उन्होंने कहा, किसी के साथ उसके मुद्दों पर मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारा मन में किसी के प्रति, विशेषकर गांधी को मानने वाले के प्रति दुर्भावना ना हो। सोच सोचिए, गांधी जी तो किया ही किया, लेकिन
मोरारजी भाई गांधी नहीं थे, प्रधानमंत्री बन गए, हमारे गांधी पिछोड़े के ट्रस्टी थे। एक ट्रस्ट की मीटिंग हुई, हमारा भाई थे ट्रस्टी डॉक्टर आरम, सीधा सीधा पूछा मोरारजी भाई से, मोरारजी भाई इंदिरा जी ने आपको बहुत तकलीफ दिया है, आपके मन में दुर्भावना है क्या इंदिरा जी के लिए? मोरारजी भाई प्रधानमंत्री कहा, था मेरे मन में थोड़ा बहुत उनके लिए विरोध, जेल में बैठे बैठे मैं प्रयत्न पूर्व के उसको निकाला है, इंदिरा जी के लिए मेरे मन में कोई विरोध नहीं है। और मोरारजी भाई सही बोलने वाला आदमी था, तो मोरारजी भाई जैसे राजनीतिक अपने मन से निकाल पाया, लेकिन हम सर्वोदय वाले कब निकालेंगे? ये मेरा दर्द है कि मेहरबानी करके राजमोहन जी जैसे एक व्यक्ति को बुलाया है, उनकी बात को रखो, अपना मन को साफ करो, अपना मन को साफ करो। 3 दिनों तक चले अखिल भारतीय सर्वोदय समाज सम्मेलन 2018 में जिन प्रमुख मुद्दों पर काम करने का संकल्प सुनिश्चित किया गया है, उसमें शामिल हैं युवाओं में गांधी जी के अहिंसक मार्ग से नवचेतना का सृजन करना, महिला सशक्तिकरण और सक्षमीकरण की दिशा में कार्य किया जाना, लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना, इन्हें खतरा पहुँचाने वाली शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना, खादी ग्राम स्वराज निर्माण के लिए कार्य करना, गांवों का विकास, अंत्योदय के विकास मंत्र को सफल बनाना, सम्मेलन के दौरान भारत जोड़ो और जय जगत का नारा दिया गया। इस नारे के उद्देश्य को पूरा करना गांधी विचारों को लेकर कार्य कर रहे सर्वोदय समाज सम्मेलन का आयोजन भविष्य में महात्मा गांधी के विचारों को स्थापित करने में कामयाब होगा, इसमें किसी तरह का संशय नहीं। हमने गांधी के मृत्यु के बाद चिंतन करना छोड़ दिया है, हम गांधीवादी बने, गांधी के विचारों पर चलने वाले नहीं बने। और वो भी महात्मा गांधी जिसने कहा था कि गांधीवाद नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि जहां वाद होता है वो ठिपक जाता है, ठिटक जाता है, वो प्रभावित नहीं होता। विचार प्रभावित होता है, विचार अपौरुषीय होता है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। मेरे पहले गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए गांधी ने जो चीज कही वो उसके नाम से पहचानी जाती थी। लेकिन गांधी के रुकने के बाद का चिंतन हमको करना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि ये गांधी ने कहा था, गांधी ने कहा था, ये जरा बंद करो। जो गांधी के विचार तो वो थे, वो हमारे विचार कब होंगे इसका विचार करो, ये होने पड़ेगा, उसके सिवा गांधी का विचार आगे नहीं जाएगा। 47वें सर्वोदय समाज सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता रही युवाओं की सहभागिता की। उपस्थित प्रतिभागियों में से 40% से अधिक संख्या युवाओं की रही, जिन्होंने प्रमुखता से भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, प्रदूषण, समानता जैसे विषयों पर काम करने का संकल्प लिया। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति के व्यवहार का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। सम्मेलन में भाग लेने वाले युवाओं से सेवा भाव का प्रदर्शन करते हुए भोजन वितरण व्यवस्था का जिम्मा संभाला। उन्होंने अपने काम स्वयं किए, इतना ही नहीं हर दिन स्वच्छता और श्रमदान जैसे कार्यक्रमों में स्वेच्छा से सहयोग भी किया। प्रतिदिन प्रार्थना सम्मेलन का हिस्सा थी जिसमें सभी ने सहभाग लिया। इस तरह से सम्मेलन में मात्र चिंतन नहीं अपितु आत्म अनुशासन का परिचय भी प्रस्तुत हुआ। सम्मेलन के आयोजन स्थल पर गांधी जी के जीवन को प्रस्तुत करती चित्र प्रदर्शनी और खादी प्रदर्शनी भी लगाई गई। सम्मेलन में देश भर से शिरकत करने पहुंचे युवाओं ने अपने क्षेत्र की लोक कलाओं का प्रस्तुतीकरण देकर उनसे उपस्थितों को अवगत कराया। सम्मेलन के दौरान देश की महान विभूतियों की तस्वीरें भी लगाई गईं। सम्मेलन में नारा दिया गया, भारत जोड़ो, भारत कैसे जुड़े, इस पर देश विदेश से आए वक्ताओं ने अपने विचार रखे। 47वें अखिल भारतीय सर्वोदय समाज सम्मेलन का सफल आयोजन देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति को नए सिरे से गढ़ने में
महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करता है। विश्वास हम होंगे कामयाब। हमारा मंत्र जय।